नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर लेखनी। मैं महेंद्र राजपूत। मलिहाबाद में हुई घटना पर मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई। सांसद कौशल किशोर से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने घटना को लिया संज्ञान। लखनऊ गत दिनों मलिहाबाद के विशेष समुदाय के द्वारा दिलवर नगर में रहने वाले राम विलास रावत की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलिहाबाद के इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा को घटना छुपाने एवं उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है एवं आरोपियों के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई किए जाने की संतुष्टि भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को तत्काल प्रभाव से 5 लाख रुपये नकद व किसान दुर्घटना बीमा एवं अनुसूचित जाति आयोग के तहत मुआवजा दिलाने की भी बात की है। वहीं उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि तत्काल मृतक के परिवार की मदद की जाए। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को मलिहाबाद थाना के अंतर्गत दिलवर नगर में निवासी राम विलास रावत की गांव के ही कुछ लोगों ने मामूली बात की कहा सुनी के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी। इस पर शुक्रवार को दिनभर मलिहाबाद के स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम किया, जिस पर पुलिस बल ने बलपूर्वक आंसू गैस के गोले छोड़े व फायरिंग भी की, जिसकी सूचना मिलने पर मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने वर्तमान समय में कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद भी मेहता हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्होंने मामले को संज्ञान लिया और वीडियो के जरिए पुलिस के द्वारा की कार्रवाई की निंदा की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की बात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लिया और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। महेंद्र राजपूत, लखनऊ। मैं सांसद कौशल किशोर इस समय कोरोना पॉजिटिव हूँ, वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा मलिहाबाद में थाना मलिहाबाद के अंतर्गत दिलावर नगर गांव में एक राम विलास रावत नाम के लड़के का उनके परिजनों के कथनानुसार कल हत्या कर दी गई। उनके परिजनों का कहना है कि थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर ने इस मर्डर की घटना को एक्सीडेंट में तरमीम करने का प्रयास किया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, आक्रोश पैदा हुआ और आज उसके बदले में कई हजार लोग गांव दिलावर नगर से भतोइया गांव तक सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इस संबंध में मेरी कई उच्च अधिकारियों से, जिला प्रशासन से लगातार बात भी चलती रही। मैंने कुछ लोगों को लगाया भी कि जाम प्रदर्शन वगैरह ना हो और समस्या का समाधान हो, लेकिन मृतक के परिजनों की एक ही डिमांड थी कि सियाराम वर्मा जो इंस्पेक्टर मलिहाबाद है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए और धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन इस पर जो है आला अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध लाठियां चलाई और अनगिनत राउंड फायर किए, जिसमें एक पप्पू कसाई नाम का व्यक्ति भतोइया का रहने वाला, उसके गोली लगी जो जीवन मौत से जूझ रहा है और इस समय लखनऊ के ट्रामा सेंटर में एडमिट है। तमाम लोग घायल हुए हैं, तमाम लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई है, उन पर मारपीट कर रही है। लोगों का आरोप ये भी आ रहा है कि कोई भी अगर भगवा गौछा बांधे हुए तो उनको ढूंढ ढूंढ कर पुलिस पीटने का प्रयास कर रही है, मारपीट उनके साथ करने का काम कर रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार मेरे पास आ रही हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक गलत तरीके के पुलिस के अधिकारी को बचाने के लिए वो ऊपर के अधिकारी जो है आखिर जनता पे लाठी चलाते हैं और गोली चलाते हैं, लेकिन जो गलत काम किया सियाराम वर्मा ने उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया। सियाराम वर्मा के संबंध में कई शिकायतें पहले से भी आला अधिकारियों को मैं बता चुका हूँ, कई घटनाएं उन्होंने इस तरीके से की है। एक फर्जी मुकदमा भी एक किशन कुमार नाम के आदमी के द्वारा, उसके यहाँ कोई घटना नहीं हुई फिर भी उसके नाम से 10 अंगूठा लगवा करके फर्जी मुकदमा दर्ज करके कर दिया। तो इस तरीके से जो है कई ये घटनाएँ हैं जिसमें मुलजिमों को बचाने का प्रयास और जो दोषी लोग हैं उनको बचाने का प्रयास और जो पीड़ित हैं उनको न्याय ना दिलाने के उनको साथ अन्याय किया गया। ये घटना
अत्यंत निंदनीय है। गोली चलाना, लाठी चलाना, फायरिंग कर देना, यह अत्यंत निंदनीय घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सियाराम वर्मा को एक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो लगातार गलत काम करते चले आ रहे हैं और सरकार की छवि को लगातार धूमिल करते चले आ रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे लोगों पर आपको ध्यान देकर के संज्ञान लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वरना ये सरकार की छवि को लगातार धूमिल करते चले आ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन भी करते हैं कि जो पप्पू कसाई जिसके गोली लगी है, उसके परिजनों को भी मुआवजा और उसका इलाज मुफ्त में किया जाए। रामविलास मृतक, उसके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाए और जो दोषी लोग, जो हत्यारे हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट करके, इसमें लाठी चला करके, मारपीट करके थाना मलियाबाद में बंद रखा है, उन लोगों को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। देखिए, ये मलियाबाद में घटना घटित हुई है, बहुत ही अशोभनीय कृत्य है ये, जिसने भी किया है, ये सभी को पता है किसने किया है। इस पे हमारे माननीय सांसद मोहल्लागंज के कौशल किशोर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया इस पर, और अभी इस पे वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, उसके अलावा अपने एसपी ग्रामीण वो भी हटा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते हैं लोग, दिक्कत समस्या क्या है इन लोगों को? और फिर जब हमारे कार्यकर्ता इसकी शिकायत करते हैं थाने पे, तो पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आती है? पुलिस को अगर पुलिस चाहे तो ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। पुलिस किसी की सुनती नहीं है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो सुनती ही नहीं है। ये पुलिस बेलगाम हो गई है लखनऊ की। अगर टाइम से भी खबर दे दी जाए तो पुलिस वहां जाती ही नहीं कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई फोन कर दे, इसलिए वो मानते नहीं है, कार्यकर्ता को कुछ मानते ही नहीं है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। फिर भी पुलिस को चाहिए ढंग से ड्यूटी करे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम ना करे। इतना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, छोटी छोटी जनता में, जो छोटी जनता है, हम लोग जो जनता है छोटी, ये पुलिस की कार्यशैली से पूरा गलत मैसेज जा रहा है छोटी जनता में, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, इनसे हटाओ, कोई मुलाकात नहीं करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से। थाने जाते हैं, रुपया पकड़ाते, पुलिस को रुपया चाहिए और अपना काम करवा के चले जाते दूसरी पार्टी के लोग। दूसरी पार्टी के लोग थाने में जाके थानेदारी कर रहे हैं और वहां जाकर के पैसा भी कमा रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं, पुलिस को भी दे रहे हैं, और उन्हीं के कहने से पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। अरे, हम लोग जो बता रहे हैं उसको आप देखिए, आकर के अगर सत्यता ना निकले तो फिर हमारी ना सुनी जाए। हम बता रहे हैं कि इस जगह ये हो रहा है, ये घटना घटित हो रही है, यहाँ पर जमीन कब्जा हो रहा है, पुलिस बोलती है हमारे बस की बात नहीं है, मैं उसको रोक ही नहीं सकता हूँ, ये पुलिस के जवाब होते हैं। जनता से बात करो जा करके, आपने 100 नंबर 112 नंबर डायल किया? हाँ सर, डायल किया, भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला ये मैं नहीं रोक सकता हूँ, चले वापस। उनसे पूछो थाने में जाके एप्लीकेशन दी? हाँ दिया था एप्लीकेशन, वो बोलते हम ये रोक ही नहीं सकते। पुलिस का काम है पहले जनता अगर परेशान है तो पुलिस को ही बताएगी। अब पुलिस का काम है वो, चाहे किसी भी प्रकार का क्राइम हो, पुलिस का काम है उस क्राइम को रोकना जाकर के। उसके बाद वो किसकी विभाग का है, किसका मामला है, कैसा है, वो बात की कार्रवाई है। लेकिन पुलिस सीधा जवाब देती है, अगर पैसा मिल गया तो कार्रवाई हो गई, नहीं पैसा मिला तो सीधा जवाब है कि इसको मैं नहीं रोक सकता हूँ, मेरे ऊपर दबाव है, जबकि कोई दबाव नहीं है पुलिस पे।
आज की डेट में हमारी सरकार में अगर पुलिस बोले कि कोई नेता जबरदस्ती दबाव डाल रहा है कि गलत काम को रोकना नहीं है, तो ये पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस तो यहाँ तक कह रही है कि हमको टारगेट दिया गया है, योगी जी ने टारगेट दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि इतनी मोटरसाइकिलों का, इतनी गाड़ियों का रोज चालान काटो, इस नाम पे वसूली कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो ये मलियाबाद की जो घटना घटी है बिल्कुल ही नहीं होती। इनकी वजह से एक आदमी हमारा मारा गया, खत्म हो गया है। अगर ये इनके संज्ञान में सब कुछ था और सब कुछ रहता है क्या, कहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय कार्य है। इसी के ऐसे ही अभी हमने बात किया कानपुर में दो फौजियों के साथ हो चुका है, ये पुलिस की वजह से हुआ है। घर में आके गुंडे मारे, वीडियो है मेरे पास उनका। गुंडे लोग एक फौजी को जो चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है उसके घर में आके गुंडे मारते हैं उसको, और पुलिस उल्टा उसके ऊपर हरजन एक्ट लिखने की तैयारी करती। वो तो किसी कारणवश प्रधान कहने से वो बच गया नहीं, उसी के ऊपर हरजन एक्ट लिखने जा रही थी। आज की फिर घटना है, एक फौजी को ला करके मारते पीटते उसके बाद थाने बिठा लेते हैं। ये हालत है पुलिस की, पुलिस बेलगाम हो चुकी है, पुलिस को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, यही मेरा कहना है। और ये जो घटना घटी है ऐसी दोबारा